अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको ये डर क्यों लग रहा है कि एमएसपी जाएगी? एमएसपी से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी नहीं चाहिए, उनको दंडनीय अपराध माना जाए। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है। दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान होगा। नमस्कार। नमस्कार भैया, थोड़ा बताइए भैया, आपको क्या लगता है इन कानूनों के बारे में? कानून बिल्कुल अंधा कानून है सर, यहाँ गरीब का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है सर। इस विधेयक से ना किसी जनता का भला होने वाला है, ना शेतकरी वर्ग का कौन सा भला होने वाला है। इस विधेयक से सिर्फ कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। यहाँ पे सबसे अधिक जो काश्तकार है उनकी आत्महत्या हुई है। इस अध्यादेश से किसान को फायदा होना है तो ये एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाते जी? आपको ये डर क्यों लग रहा है कि एमएसपी जाएगी? अगर इन्होंने ये सिर्फ एक गारंटी दे दो एमएसपी की, अगर कोई कम रेट पर कोई खरीदेगा, कोई एजेंसी या कोई किसान, तो उनको दंडनीय अपराध माना जाए। एमएसपी से कम तो कोई किसी किस्म की खरीद होनी नहीं चाहिए। जो भी हम उत्पादन जैसे एकाधिक कंपनी ने लेके गए तो हम उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम उनके रिलायंस वाले के घर पे जाके रो नहीं सकते, वो तो हमको दंडे मार के ही खिदाड़ेंगे वहां से। हम तो डूब गए ना, मर गए ना, फिर क्या खाने वाले, क्या करने वाले? कारपोरेट जगत के लोगों को माल सस्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का तो वो ग्राहक को चार दुप्पट तिप्पट तीन गुना चार गुना भाव में बेचेंगे। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसी टाइप का कारोबार आज आने की गुंजाइश लग रही है, 100% वैसे ही होगा। आपका कहना है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आई है। हाँ, वेस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट कंपनी आ जाएगी। आज किसान का जो काम है आर्थिक के थ्रू चला रहा है अपना काम, उनको ये दलाल बोलते हैं। दलाल तो अब आ जाएंगे कारपोरेट जगत के हाथों जब इसको बेचा जाएगा। जो व्यापारी है कुछ हमको एडवांस पैसा कुछ काम पड़ता था तो लेते थे, अब पैसा भी देना बंद कर दिए कि हम धान नहीं लेंगे, गेहूं नहीं लेंगे, तो हम पैसा कैसे देंगे? जो पीछे पूर्व जो सरकारों ने काम करे थे जो देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, युवा के लिए, उस चीज को सबको बेच यादीकरण करने लग रहे हैं। हर चीज का निजीकरण करने लग रहे हैं, हर चीज को बेचने लग रहे हैं। एयरपोर्ट उनको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, छोड़ नहीं रहे जी किसी चीज को। ये एक दर दर के भटकाने के वाले काम है। ये इन लोगों को जरूर मजदूर बनाने चाहते हैं, दंगताने तो ये जमीन खरीदना चाहते हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई किसान को बचाएगा। आप लोग सब मेहनत करके और इस काम को उठा के और इस किसान को बचाने का कार्य करोगे, देश का बहुत भला होगा, किसान का तो भला होगा ही। आज किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं जी, आज सिर्फ देश के युवा को, रोजगार को, किसान जो किसानों को बचाने का अगर कोई जरिया है लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ राहुल दिखाई दे रहा है जी। आज महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है, किसान की आवाज में बहुत दम है और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी। किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।